नगरपालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों से हाथ जोड़कर जनता कर्फ्यू में मांगा सहयोग। फैल रही कोरोना वायरस बीमारी को लेकर हंगामा मचा है। WHO द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। भारतवर्ष में भी कोरोना के मरीजों का 250 के लगभग आंकड़ा जा चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम हुए उद्बोधन के बाद 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिस कड़ी में सभी जगहों पर बस ट्रेन यातायात भी बंद रहेंगे। जनपद बागपत में भी जनता कर्फ्यू को लेकर भाजपा नेता और बड़ौत नगर पालिका अध्यक्ष अमित राणा व समर्थकों ने मिलकर एक रैली निकालकर लोगों से जनता कर्फ्यू में सहयोग मांगा है। भाजपा नेता अमित राणा ने बड़ौत स्थित मुख्य बाजारों व गलियों में जाकर सभी व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की मांग की। इस दौरान उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता नगरपालिका सभासद भी मौजूद रहे। बड़ौत नगरपालिका चेयरमैन अमित राणा को सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर राष्ट्र के नाम अपना सहयोग देने का पूर्ण आश्वासन भी दिया है। अमित राणा ने जनता कर्फ्यू में सभी लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर के प्रयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग साफ सफाई पर खास तौर से ध्यान रखें। कल यानी 22 मार्च को सभी लोग जनता कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक अपना सहयोग दें और साथ ही शाम 5 बजे अपने घर के बाहर घंटे घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर उन लोगों का धन्यवाद अवश्य करें जो लोग दिन रात मानवता की सेवा में लगे हैं। बता दें कि जनपद बागपत में अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी पीड़ित नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जनपद बागपत के जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों द्वारा भी जो लोग खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, उन्हें घर में रहकर आराम करने व मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। मैं अमित राणा, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद बड़ौत बागपत, आप सभी बड़ौतवासी और देशवासियों से अपील करता हूँ कि 22 मार्च 2020 को मोदी जी के एक दिन के कर्फ्यू में सब सहयोग करें। कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, सभी दुकानें बंद रखें और अपने आप को और पूरे देश को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।